है दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू असलवी तेजस। आप सब लोगों का स्वागत है अपने इस कमाल के यूट्यूब चैनल पे। सो आज 15 अगस्त है, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्र दिन की बहुत सी शुभकामनाएं। सो अभी मैं फैमिली के साथ आया हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क, और लास्ट ईयर भी आया था वो वाला, वहाँ पे उसका आई कार्ड में लिंक देता हूँ, वो भी ज़रूर से देखना। लास्ट टाइम हम कनेरी केव्स में गए थे और इस बार हम गांधी टेकड़ी जा रहे हैं। सो अभी सुबह के बज चुके हैं, ये है 10:10, तो हम मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए और थोड़ा स्नैक्स लेके आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको संजय गांधी नेशनल पार्क में फ्री एंट्री चाहिए तो साल में 2 दिन में ही आपको ये मिल सकती है, कि 15 अगस्त और एक 26 जनवरी, वो भी दोपहर के 2 बजे तक। ये है गांधी टेकड़ी की ओर जाने का रास्ता, बेसिकली स्टेयर से। जब आप संजय गांधी नेशनल पार्क में एंटर करोगे, थोड़ा सा चलने के बाद थोड़ा लेफ्ट लोगे, राइट साइड में आपको ये दिखेगा। तो यहाँ से आप जब ऊपर चढ़ोगे तो बेसिकली वहाँ पे स्टेयर से, और 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा ऊँचा है भी नहीं। पर चढ़ोगे तो बाय द वे आपको रोड के दोनों साइड में, स्टेयर्स के दोनों साइड में आपको ऐसे बोर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, और खासकर बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उनके एजुकेशन और उनके नॉलेज बेस के लिए। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स है, और आजू बाजू में जो जगह है वहाँ से आप माउंटेंस देख सकते हो। एट दिस मोमेंट वहाँ पे बारिश के कारण पेड़ पौधे ज़्यादा घने होने के कारण आप विजिबल नहीं हो पाएगा क्लियरली, बट अगर आप लाइक बाद में 3-4 महीने बाद आओगे तो वहाँ पे वो भी विजिबल रहेगा। सो कुछ इस तरह से है गांधी टेकड़ी। सो ये रही सामने गांधी टेकड़ी, और यहाँ से आप एंट्री करोगे। अभी हम लोग तो बहुत आधा घंटे के ऊपर वहाँ पे बैठे, आराम किया, थोड़ी हवा चल रही थी तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो गांधी टेकड़ी घूम के आने के बाद हम थोड़ा नीचे उतर कर और परिक्रमा करते हैं, देखते हैं क्या घूमने लायक और है क्या नहीं। जब क्योंकि हम जल्दी आने के कारण ना भीड़ बहुत कम थी, तो हमने जो साथ में स्नैक्स भी लाया था, तो एक अच्छी जगह हमें दिखती है जहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे हम जो स्नैक्स लाए वो निकालते हैं और अच्छे से बैठ के उसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं। और बाय द वे डोंट वरी दोस्तों, जो हम प्लास्टिक वगैरह जो लाए हैं तो उसका एंट्री किया है हमने, जब हम आते कोई भी अंदर आता है तो उनकी एंट्री होती है 100 रुपीज़ डिपॉजिट के साथ, फिर उनको एक रिसिप्ट दी जाती है। तो जब आप एग्जिट करते हो नेशनल पार्क से तो वहाँ पे आपको फिर से वो दिखानी है, तो जो भी आपने डिपॉजिट किया वो आपको फिर से मिल जाता है। तो देर में मेरी आई और हम सब, मेरे पापा और बहन, हम लोग मस्त चाय का चीयर्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, और जो भी स्नैक्स लाए वो पूरा खाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। जब हम यहाँ बैठे थे तभी हमारी नज़र इस जगह पर पड़ती है, तो हम तुरंत यहाँ पर आते हैं, और ये बोर्ड पढ़ के तो मुझे कुछ समझा नहीं, फिर हम जब हम अंदर चले गए तब समझा कि ये टाइगर्स के ब्रीड यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर कैसे, कैट्स, उनकी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि बहुत सही जगह थी। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर इसे देखना। सो जब आप सबसे पहले आप अंदर जाओगे तो सबसे पहला ये जो चीता है आपका एक अच्छे से स्वैग से स्वागत करेगा। जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, शेरनी की प्यारी सी फैमिली आपकी फैमिली का स्वागत करेगी मस्त अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। बाजू में ही आपको एक रॉयल बंगाल टाइगर दिखेगा बैठा हुआ,
तो वो आपका इंतज़ार कर रहा है, मानो मेरी अच्छी सी फ़ोटो खींच लो, उसी पोजीशन में वो बैठा था। फिर जब आप सेकेंड फ्लोर पर जाओगे तब आपकी मुलाकात होगी इनसे। बाय द वे, इनको अंग्रेज़ी में गौर कहते हैं और हिंदी और मराठी में गवाह कहते हैं। जब मैं तब थोड़ा आगे और बढ़ा तो बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के लाइक लेपर्ड्स थे, जो कि कैट्स की डिफरेंट वैराइटीज़ थी। तो जैसे उनमें से एक था ये यूरोशियन लिंक्स, जो कि रस्टी स्पॉटेड कैट इसे कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमें एक फिशिंग कैट मिली। देखो तो कितनी प्यार से देख रही है, जैसे कि मानो मैं इसे फिश ही ला के देने वाला हूँ। तो थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मेरी नज़र पड़ती है इस जंगल कैट यानी जंगली बिल्ली पर। ये तो पोज देख कर ही बैठी थी, और जैसे कि कुछ और कैट्स देखी, जैसे ब्लैक पैंथर था, ये ब्लैक पैंथर बहुत अच्छा लगा। साथ ही में जो आगे थोड़ा देखने के बाद आपको लगेगा ये बीच में ही ये हिमालय कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये पोस्टर है हिमालय, या पोस्टर के नीचे यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगी, जो कि उन्होंने उस पोजीशन में बिठाया जिसे मानो वो आपका शिकार कर लेगी। तो वो यूजुअली वैसे शिकार करती, उस पोजीशन में उसको बिठाया था। तो ये सब ऐसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैट एसोसिएशन सेंटर में आपको देखने को मिलेगी। सो ज़रूर से आप विजिट कर लेना, बहुत डिफरेंट टाइप्स के कैट्स यहाँ पे है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कैट एसोसिएशन सेंटर देखने के बाद हम जाते हैं नदी की ओर, क्योंकि यहाँ पे आपको नदी भी देखने को मिलेगी। उसी ओर हम जाते हैं तभी हमको कुछ पेड़ पे बंदर दिखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। हम उनको थोड़ा देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप उनको अब कुछ खाना बिना नहीं डाल सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ, लाइक यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको फ़ाइन हो सकता है 1000 रुपीज़ का। जैसे आपके काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो उनको इग्नोर करके हम जाते हैं नदी की ओर। लाइक नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा, मुंबई जैसे शहर में आपको ऐसी नदी, क्रिस्टल क्लियर नदी, जो कि आप पानी पी सकते हैं, इतनी अच्छी नदी आपको मिलेगी जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। लाइक मेजोरिटी ऑफ द पीपल आते हैं यहाँ पे जब वीकेंड होता है, तो तैरने का आते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि बहुत से लोग तैरने के लिए भी आते हैं। सो बाय द वे, हम यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, जो नेचर के साथ पीस वाइब, जहाँ पे आपके थॉट्स मोर क्लियर होते हैं, तो वो हम एंजॉय करते हैं। जैसे हम नदी के बाहर आते हैं तो फिर हमें पेड़ मिलते हैं, तो उसको हम झूला झूलने को देखते हैं, मैं, मेरे पापा, मेरी बहन, सब लोग, तो थोड़ा सा झूला झूलते हैं। उसके बाद हम एक अच्छी जगह देखते हैं जहाँ बहुत अच्छी जगह थी, तो वहाँ पे हमने जो लंच लाया था, बाय द वे लंच इन द सेंस ब्रंच को, इडली डोसा और चटनी वगैरह, तो हम वो लाते, तो वो लाइक लंच ख़त्म करते वहाँ पे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते अपने फैमिली के साथ। उसके बाद अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लौटते अपने घर की ओर। तो जब लोग और आ भी रहे थे, 2 बजे तक फ्री रहता है, तो हम थोड़ा जल्दी निकल रहे थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी और सब जो लोग थे वो पूरा तैरने के लिए, मानो रिसोर्ट ही बनाया हो। सो बहुत अच्छी जगह है दोस्तों फैमिली के साथ आने के लिए, सो आप चेकआउट कर सकते हो ज़रूर से। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी ऑफिशियल लिंक देता हूँ, वहाँ पे आप वेरियस इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। और ये वाला व्लॉग ज़रूर से देखना, ये लास्ट ईयर में गया था, तो कनेरी क्यूज की और अदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द व्लॉग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर दीजिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।